आप कच्चे में जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं। जब हम सुनते हैं कोई हमारा जवान शहीद भी हो जाता है ना, उसके बाद हमें बहुत जज्बात आए, मुंह तोड़ के जवाब देते हैं उनका। तकरीबन जब हमें 6 महीने हो गए हम यहीं पे हैं। वहाँ से ये पानी में भी क्रॉस कर लेगी, रेती में भी क्रॉस कर लेगी, कहीं भी गाड़ी ये फंसेगी नहीं हमारी। टायर वाली आम APC है, उसको गोली भी हिट से हो सकती है और वो फंस भी सकती है, वहाँ से निकल नहीं सकती। जी, इस वक्त मैं घोटकी में कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर बख्तरबंद जो गाड़ियाँ हैं उनको डाकुओं ने नुकसान पहुँचाया। माजी में देखने में आया जो चैन वाली बख्तरबंद गाड़ियाँ थी वो कच्चे में दाखिल होने की कोशिश करती थी, जिस पर लॉकेट लॉन्चर जो है डाकू फायर करते थे, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शहीद होते थे। इस वक्त MTO घोटकी असफर लशारी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इसको किस तरह ऑपरेट किया जाता है, इसमें कितनी नफरी यहाँ पर तैनात की जाती है। सर, ये बख्तरबंद गाड़ियों का फ़ायदा या नुकसान क्या है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। ये जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं अभी हमारे पास न्यू आई हैं, इसको B7 कहते हैं। ये डबल चादर बख्तरबंद है। इससे पहले जो था, इससे पहले B6 आती थी, B5 जो सिंगल चादर जो थी उसको गोला उनका हिट हो जाता था या कोई 12.7 की गोली हिट होती थी। करीब जाके 300 मीटर पर जब हम जाते थे डाकुओं के घरों तक, जब आमने सामने होते थे तो इसको गोली हिट हो जाती थी। अब इसमें हमें ये फ़ायदा है कि जो अब हमें सिंध गवर्नमेंट ने ये दिलाई है, IG साहब ने जो ये बख्तरबंद B7 हमें न्यू आई है, इसमें 12.7 की गोली या गोला हिट नहीं करता है। और इसमें मोर्चे ज़्यादा दिए हैं लड़ाई करने के। पहले मोर्चे होते थे, ये मोर्चा है जो राउंड अबाउट घूमता है, एक मोर्चा होता था। साइडों में जो मैं आपको दिखाता चलूँ, साइडों में जो मोर्चे हैं ये मोर्चे नहीं थे। अब हमारे इसमें काफ़ी जवान भी ज़्यादा बैठ सकते हैं। और ये जो मोर्चे हैं इसको हम यहाँ से माना, ये जब APC कच्चे में डकैत ऑपरेशन के लिए उतारी जाएगी तो इस साइड भी हमारे जवान लड़ सकते हैं, उस साइड से भी लड़ सकते हैं, ऊपर से भी लड़ सकते हैं। ये मोर्चा है, ये मोर्चे में से हम यहाँ से फायर दे सकते हैं, वहाँ से भी फायर दे सकते हैं। इसके मोर्चे ज़्यादा होने से हमें बहुत फ़ायदा है, जिसमें हमारी प्रोटेक्शन भी है कि हम फायर हर जगह से दे सकते हैं और उनको माना हिट कर सकते हैं। कितनी नफरी यहाँ पर तैनात करते हैं आप बख्तरबंद गाड़ियों में? इसमें हम उस सिचुएशन के हिसाब से बिठाते हैं। इसमें अभी 4 ये हैं और ऊपर वाले हैं अपना, तकरीबन 6 तो हम मोर्चों पे खड़े कर देते हैं, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे, 2 ऊपर। फिर उनको जो है ना, जितनी देर तक हमारा जो ऑपरेशन चलता है या नीचे फायरिंग चलती है उस हिसाब से 10-12 बंदे हम बिठाते हैं जो फायरिंग करते हैं। उसके बाद जो थक जाता है फिर या कोई गोलियां वेपन वगैरह भर के देता जाता है और फिर मोर्चे में चेंज होते रहते हैं। सर, ये नॉर्मल बख्तरबंद गाड़ियाँ जिसमें टायर लगे होते हैं और ये चैन वाली बख्तरबंद गाड़ियों में फ़र्क क्या है? नॉर्मल बख्तरबंद गाड़ियाँ ये है कि ये चेन है, ये स्पेशल ऑपरेशन जो अंदर जब डाकुओं के करीब डेरों पे जाते हैं, डाकुओं के घरों तक जाते हैं तो ये हमें चेन काम देती है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। उन पे क्या है, उनके बंद बने हुए हैं जो ये क्रॉस कर लेती है। और पानी होता है कहाँ पे, पानी का मकसद है वहाँ से ये पानी में भी क्रॉस कर लेगी, रेती में भी क्रॉस कर लेगी, कहीं भी गाड़ी ये फंसेगी नहीं हमारी, इसकी चेन। और जो टायर वाली आम APC है उसको गोली भी हिट से हो सकती है और वो फंस भी सकती है, वहाँ से निकल नहीं सकेगी। ये हम आगे जब जाते हैं तो जैसे हमने अपने बचाव बंद के लिए चौकियाँ बनाई हैं या अपने बचाव के लिए जो बंद बनाया है, तो उनका डाकुओं का भी ऐसे ही बंद है। जब भी हम ऑपरेशन में नीचे गए उनके घरों के बाहर बड़े बंद होते हैं जिसको ये APC क्रॉस कर सकती है, दरिया तक हम जा सकते हैं, इसको पानी में भी इसको चला सकते हैं हम, तो इसलिए बिल्कुल ये वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो कि पानी में भी चल सकती हैं। जो मुश्किलात का सामना होता है कच्चे में वहाँ पे भी ये बआसानी चली जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बख्तरबंद गाड़ी को आपको अंदर से दिखाऊँ कि इस बख्तरबंद गाड़ी में जो पुलिस के अहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये बख्तरबंद गाड़ी है जो कि तकरीबन 8 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस वक्त पर ये बख्तरबंद गाड़ियाँ अंदर कच्चे में जाती हैं और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करती हैं। आप कच्चे में जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं। हमें पादरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह जज्बात है। जब हम सुनते हैं कोई हमारा जवान शहीद भी हो जाता है ना, उसके बाद हमें बहुत जज्बात आए कि अब ऐसे गाड़ी के उत्तर पर भी इसके लड़े हैं इसके साथ।
इतना जज्बा। ये पुलिस वालों के हौसले हैं। आप कब से यहाँ पर कच्चे में ऑपरेशन कर रहे हैं? तकरीबन जमा 6 महीने हो गए हम यहीं पे हैं। किस तरह ऑपरेट करते हैं? इस बख्तरबंद में अंदर जाते हैं, वहाँ पर फायरिंग होती है तो आप छतों पे चले जाते हैं, या ये जो खोपचे बनाए हुए हैं बख्तरबंद गाड़ी में वहाँ से फायरिंग करते हैं? बस जी, जब जैसे ही फायरिंग वगैरह होती है तो ऊपर भी चढ़ जाते हैं कभी, और कभी मोर्चों से भी फायरिंग वगैरह करते हैं, मुंह तोड़ के जवाब देते हैं उनका। जी बिल्कुल, ये बख्तरबंद गाड़ी है जो कि चैन वाली गाड़ियाँ कहा जाता है। ये बख्तरबंद गाड़ियाँ पहले कच्चे में मौजूद नहीं थी, लेकिन अब कच्चे में ये गाड़ियाँ आई हैं, और कोशिश की जाती है कि जहाँ पर मुश्किलात का सामना हो, जहाँ पर आम गाड़ियाँ उमूमन नहीं जा पाती, वहाँ पर ये बख्तरबंद गाड़ियाँ जाती हैं, सूरत हाल को कंट्रोल करती हैं, बेहतर करती हैं, और उसके बाद पुलिस की मजीद नफरी को वहाँ कच्चे के इलाके में पहुँचाया जाता है।